जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर 4 है एफ बी होलसेल, अमेजोन एफ बी होलसेल यूएस का। हमने पिछली क्लास में सीखा था कि कीपा को हम किस तरह से यूज़ करते हैं। उससे पिछली क्लास में हमने देखा है कि टूल्स कौन से यूज़ होते हैं आपको जब प्रोडक्ट हंटिंग करनी होती है अमेजोन एफ बी होलसेल के लिए। उसमें हमने कीपा देखा था पिछली क्लास में, कंप्लीट उसकी ना कंप्लीट डिटेल में हम उसके गए थे, तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं अगर आपने कीपा सीखना है, कीपा किस तरह से यूज होता है ये सीखना है। तो आज का हमारा टॉपिक है हीलियम 10, ऑल अबाउट हीलियम 10, ये हम इसको किस तरह से यूज करते हैं, इसमें से किस तरह से फिल्टर्स अप्लाई करते हैं, और फिल्टर्स अप्लाई करके लिए किस तरह से ब्रांड्स उसमें से हंट करते हैं, प्रोडक्ट्स हंट करते हैं। ठीक हो गया, अभी हम स्टार्ट करते हैं। पहले आपको हीलियम 10 की सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी किसी सर्विस प्रोवाइडर से। बेसिकली आपको 1500, 1700, 1000 में भी मिल जाएगा। डिफरेंट रेट्स होते हैं हर सर्विस प्रोवाइडर के, कोई सस्ते में दे रहा होता है, कोई थोड़ा महंगे में दे रहा होता है। तो आप पहले कोशिश कीजिएगा कि जो आपको अच्छी कोटेशन मिले आप उसमें ले लें, ठीक है? हीलियम 10 जब आप सब्सक्रिप्शन ले लेंगे इसकी, तो ये कुछ इस तरह से आपके सामने एक डैशबोर्ड होगा, ठीक है? तो उसमें बेसिकली जो फिल्टर्स अप्लाई होते हैं वो हमारे होते हैं ब्लैक बॉक्स में, जो हीलियम 10 का होता है, ठीक है? वो यहाँ टूल्स और ये ठहरा ब्लैक बॉक्स, ठीक है? बाकी यहाँ पे टूल्स है, इसके गैजेट्स सारे हैं, सेरेब्रो है, मैग्नेट है। बेसिकली ये सब प्राइवेट लेवल के प्रोडक्ट हंटिंग के लिए यूज होते हैं। जो अभी हम यूज करेंगे वो ब्लैक बॉक्स यूज करेंगे, ठीक हो गया? क्योंकि हमने प्रोडक्ट रिसर्च करनी है, प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, प्रोडक्ट रिसर्च प्रोडक्ट हंटिंग ही होती है, ठीक है? तो बेसिकली यहाँ से हम हमें बता रहा है कि आप सिंपल क्राइटेरिया फिल्टर्स लगाना चाहते हैं या फिर एडवांस लेवल में जाना चाहते हैं। बेसिकली हम एडवांस में जाएंगे ताकि हम ज्यादा से ज्यादा फिल्टर्स अप्लाई कर सकें और वो क्राइटेरिया वाले प्रोडक्ट ले सकें जो हम चाहते हैं कि हमारे पास ये प्रोडक्ट हो और इस तरह इस क्राइटेरिया में, ठीक है? तो इसके एडवांस लेवल में जाएंगे, यहाँ पे सब फिल्टर्स अभी हमने अप्लाई करने हैं। इसमें कैटेगरी है, नंबर ऑफ सेलर्स हैं। अगेन मैं आपको ले चलूंगा उस स्लाइड पे जहाँ पे हमारा एक कंप्लीट क्राइटेरिया है फॉर होलसेल प्रोडक्ट हंटिंग यूएस। उसमें सबसे पहले मैंने पिछली वीडियो में बताया आपको PSR, हम देखते हैं सेल्स रैंक, या आपके लिस्टिंग का सेल्स रैंक जितना कम होगा उसकी सेल्स उतनी ज़्यादा होंगी, ठीक है? जिसका PSR ज़्यादा होगा तो इसका मतलब है कि वो उसकी लिस्टिंग की हेल्थ ठीक नहीं है और ना ही उस पर ज़्यादा सेल्स आ रही है, ठीक है? तो हम पहले यहाँ पे जाते हैं, देखते हैं कि पहला पहला फिल्टर कौन सा अप्लाई करना है। तो यहाँ कैटेगरी है, सब कैटेगरी आप अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली आप कैटेगरी ही कर दें तो ये बहुत है, ठीक है? तो कैटेगरी में कीपा में इस तरह से होता है कि आप वन टाइम एक कैटेगरी ऐड कर सकते हैं, मगर हीलियम 10 में इस तरह से है ब्लैक बॉक्स पे कि आप एक ही वक्त में जितने मर्जी चाहें कैटेगरीज अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? तो इसमें हम एक पर्सनल केयर वगैरह देते हैं, दो तीन कैटेगरीज कर देते हैं, फिर देखते हैं हमारे प्रोडक्ट उनमें से किस तरह से निकलते हैं। बेसिकली मकसद यह है कि आपको सिखाना है कि किस तरह से आप फिल्टर अप्लाई करेंगे और यहाँ से प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक है? ब्रांड्स निकालेंगे। तो ये तीन कैटेगरीज, दो कैटेगरीज हमने सिलेक्ट कर ली है। इसके बाद हमें सिलेक्ट करने हैं नंबर ऑफ सेलर्स। नंबर ऑफ सेलर्स एज जो क्राइटेरिया में है ये 4 से कहाँ पे हैं, जी है 4 to 20 होने चाहिए, मैक्सिमम लिमिट नहीं है। इन केस के अगर आपके पास सेल्स ज्यादा हैं उस प्रोडक्ट की, रेवेन्यू ज्यादा है, तो आप अगर ज्यादा सेलर्स हैं तब भी उसमें जा सकते हैं। अगर रेकमेंड और क्राइटेरिया में ये है कि आपके 4 to 20 होने चाहिए, फिर भी आप इधर 22 कर लें, ठीक हो गया? सेल्स प्राइस आपकी क्या होनी चाहिए मिनिमम, जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि जिस तरह से क्राइटेरिया में भी है 15 to 50 होनी चाहिए,
अगर आप हाई टिकेट आइटम में जाना चाहते हैं कि आपके पास ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, आप ज्यादा इन्वेस्ट करके आप ज्यादा प्रॉफिट लेना चाहते हैं, तो आप 100 तक भी जा सकते हैं, मतलब 15 से 100 तक। 15 से नीचे इसलिए नहीं जा सकते कि उसमें आपको मार्जिन बहुत मुश्किल से मिलेंगे, या मिलेंगे 0.50 मिलेंगे डॉलर्स, 1 डॉलर, तो यहाँ तक। बेसिकली प्रॉफिट जो होता है वो 2 से ऊपर हो तो अच्छा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं अपना 15 टू मिनिमम, मैक्सिमम हम कर देते हैं 50, ठीक हो गया। इसके बाद हम देखते हैं अपने रिव्यू काउंट में हमने क्राइटेरिया में पढ़ा था कि 100 मिनिमम होने चाहिए, ज्यादा जितने भी हो हमारे लिए अच्छा इस तरह से है कि जितने ज्यादा रिव्यू पॉइंट होंगे, इसका मतलब है एक सप्लायर, एक ब्रांड उतना ज्यादा उतने अरसे से काम कर रहा है, मतलब इतना पुराना है, उसको काफी उसकी एज है, ठीक है। जिसके अगर 100 से कम हो तो इसका मतलब है न्यू ब्रांड है, आगे जाके पता नहीं वो उसकी लिस्टिंग अच्छी रहती है अमेजोन पे, नहीं रहती, तो मतलब कुछ भी हो सकता है। इसलिए हमें चाहिए रिव्यू काउंट हम मिनिमम 100 रखें, 100 से ऊपर जितना भी हो बैलेंस गुड है, ठीक है। रिव्यू रेटिंग में हम 4.2 करते हैं, 4.2 से अबव जितने भी हो हमारे लिए बेस्ट है। इसके बाद हम PSR देखते हैं, बेस्ट सेलर रैंक, वो हमने देखा था 1 to 45 की रेंज में रखते हैं। इस रेंज में हो तो वो हमारे लिए प्रोडक्ट अच्छा होता है, ठीक है। और उसके बाद शिपिंग साइज, अभी यहाँ मैं आपको बताता चलूँ, ये चीज हमने कीपा में नहीं पढ़ी थी, ठीक है। शिपिंग साइज इसमें डिफरेंट भी होते हैं, आपको स्मॉल स्टैंडर्ड साइज, लार्ज स्टैंडर्ड साइज, स्मॉल ओवर साइज, मीडियम ओवर साइज। तो बेसिकली हम स्टैंडर्ड साइज में जाते हैं, चाहे वो स्मॉल हो या लार्ज हो, लेकिन उसका साइज स्टैंडर्ड होना चाहिए, ना कि ओवर साइज। इसका इशू, इसकी रीजन ये है कि जो ओवर साइज प्रोडक्ट्स होते हैं तो उनकी FBA फीस ज्यादा होती है, FBA फीस ज्यादा होगी तो आपके मार्जिन्स कम हो जाएंगे, ठीक है। अगर कोशिश करें स्मॉल स्टैंडर्ड साइज में या फिर लार्ज स्टैंडर्ड साइज में प्रोडक्ट्स देखें, ताकि आपको FBA फीस ज्यादा ना पड़े, ये दो हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद वेट, वेट मैंने आपको बताया था मैक्सिमम 2000 ग्राम होना चाहिए, मतलब मीन 2 kg होना चाहिए। अगर LBs में है तो आई थिंक 3.5 इज इनफ मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये भी उसी तरह से जितना ज्यादा होगा उतनी FBA फी आपको ज्यादा चार्ज होगी, और FBAC ज्यादा चार्ज होगी तो आपके प्रॉफिट्स कम होंगे, ठीक हो गया। उसके बाद फुलफिलमेंट है, कि फुलफिलमेंट किससे हो रही हो, FBA होनी चाहिए या फिर FBM होनी चाहिए, अमेजोन को हम सिलेक्ट नहीं करते, ठीक है। तो इसके अलावा हम देखते हैं मंथली रेवेन्यू क्या होना चाहिए, मिनिमम हम रेवेन्यू सिलेक्ट करते हैं कि हमारा मिनिमम 5,000 होना चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम जितना भी हो हमारे लिए अच्छा है। इसके अलावा मंथली सेल्स देखते हैं, मंथली सेल्स 300 रेकमेंड की जाती हैं, होनी चाहिए, ठीक है। तो 450 कर ले, 350 मंथली सेल्स टोटल यूनिट्स की होनी चाहिए, ठीक है, एक टोटल लिस्टिंग की। और इसके अलावा हमने कौन सा एक इम्पोर्टेंट फिल्टर अप्लाई करना है, इधर से नहीं है, हाँ ये वेरिएशंस है, ठीक है। जिस तरह से क्राइटेरिया में है, आप अप टू 4 वेरिएशन पे जा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं जा सकते। उसका भी फिर उसी तरह से है कि आपको बजट ज्यादा लगाना पड़ेगा वेरिएशन खरीदने में, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट साइजेस आ जाते हैं वेरिएशन में, डिफरेंट कलर्स आ जाते हैं, और इसीलिए आप इसके 4 वेरिएशन तक जाएं, मैक्सिमम लिमिट हम 4 कर देते हैं, ठीक हो गया। मेरे ख्याल से हमने कंप्लीट ये कर लिए हैं, अपने फिल्टर्स जो जो इम्पोर्टेड फिल्टर्स थे हमारे, हमने लगा लिए हैं। नीचे भी देख लेते हैं अगर कोई रह गया है, लाइक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं। ये जो रह गए हैं ये हम इसलिए नहीं लगा रहे कि इस इनको लगाने से ना कोई खास प्रोडक्ट्स हमें नहीं मिलेंगे, तो जो क्राइटेरिया होगा या फिल्टर्स होंगे वो ज्यादा टाइट हो जाएंगे, इसलिए इनको ना ऐसे ही छोड़ देते हैं। अभी यहाँ हम सर्च करते हैं इनको, सॉरी यहाँ पे 3 पॉइंट लिखना, हमने 3 तक लिख देना है, ठीक है।
अभी ये सर्च करते हैं, अभी ये ब्लैक बॉक्स हमें प्रोडक्ट्स निकाल देगा उस क्राइटेरिया के मुताबिक जो हमने इसको दिए हैं। तो बेसिकली होता ये है कि ब्लैक बॉक्स का एक डिसएडवांटेज कह लें या कुछ और नाम कह लें कि ये आपको ना 200 एटम्स दिखाता है, चाहे आपके एटम्स जितने भी बन रहे हो ना, तो ये आपको 200 एटम्स ही दिखाएगा वन टाइम, ठीक है। तो इसलिए आप कोशिश किया करें जो आप कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं वो एक सिलेक्ट कर लिया करें, ताकि एक ही कैटेगरी के आपके 200 आपके पास आ जाएं, आप उनको देख लें, उसके बाद दूसरी दूसरी कैटेगरी करें। इससे कैटेगरीज अगर ज्यादा होती हैं तो प्रोडक्ट्स भी ज्यादा हो जाते हैं, अभी इसमें मिस हो जाएंगे क्योंकि ये 200 हमें दिखाएंगे, 200 से आगे वाले जो होंगे वो हमसे मिस हो गए, आप इस तरह से समझ, ठीक है। तो ये हमारे प्रोडक्ट्स आ गए हैं, फिर से वही दो मेथड जिस तरह से मैंने आपको कीपा में बताया है। वन मेथड कि आप इसे एक्सपोर्ट करें, इसको कन्वर्ट कर लें एक्सेल फाइल में, वहां से आपको ब्रांड्स मिल जाएंगे, ठीक है। आप उनकी एक डाटा फाइल डाटा शीट बना लें, उनके कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन इकट्ठी करें, उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स की कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन करें और उनको वन बाई वन आप ईमेल्स करें, फॉलो अप्स लें और उनको कॉल्स करें फॉर अप्रूवल। ये सब कुछ हम किस लिए कर रहे हैं? अप्रूवल्स के लिए। दूसरा मेथड इस तरह से कि आप कोई प्रोडक्ट हंट करें, इधर से प्रोडक्ट के स्टेट्स चेक करें, उसका कीपा ग्राफ्स देखें, उसकी सेल्स देखें, उसका रेवेन्यू देखें, और जब आपको सब कुछ ठीक लगे कि ये बिल्कुल एक विनिंग प्रोडक्ट है, तब जाके आप उसके ब्रांड को एक अलग एक्सेल शीट में लिखें और एसएनवी लिखें, वहां से फिर उसे गूगल करें, उसकी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन निकालें, उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स निकालें, फिर जाके उनको आप रीच आउट करें। तो ये बेसिकली ये दोनों टेक्निक्स अच्छी होती हैं, मगर जो मैं खुद करता हूँ यूज वो यही प्रोडक्ट हंट वाली करता हूँ कि पहले मैं प्रोडक्ट देख लेता हूँ, उसकी हाँ उसके स्टेट्स चेक कर लेता हूँ, कीपा ग्राफ्स चेक कर लेता हूँ, सेल्स रेवेन्यू ये सब चीजें चेक करके फिर अलग शीट पे लिख के उसे, ठीक है, उसका डाटा एसएन लिख के, उस ब्रांड नेम लिख के, ब्रांड नेम को गूगल पे सर्च करता हूँ और उसे रीच आउट करता हूँ वहां पे उसको और उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स को, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे दोनों टेक्निक्स देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रोडक्ट वाली देखते हैं, ठीक है, ये हम ओपन करते हैं न्यू टैब में, इसको चेक करते हैं, इसके स्टेट्स देखते हैं, जी ये देखें, अभी कीपा के स्टेट्स नहीं देखते कि कीपा के स्टेट्स हमने पिछले उसमें पढ़े हैं, ये देखें। ये अगर आपके पास हेलियम 10 की एक्सटेंशन ऐड टू क्रोम होगी तो आपको ये चीज भी पता चल जाएगी कि इसकी लिस्टिंग हेल्थ स्कोर क्या है। लिस्टिंग हेल्थ स्कोर जितना कम होता है तो उतना एक लिस्टिंग के लिए अच्छा नहीं होता, इसका मतलब होता है वो लिस्टिंग खराब हो रही है, उसकी भी बहुत सारी रीजंस होती हैं, सेलर्स के दरमियान प्राइस वार्स हो या कुछ और होती हैं, इसका बीएसआर ज्यादा हो जाए उसकी लिस्टिंग हेल्थ खराब हो जाती है। मैक्सिमम 10 होती है जो सबसे बेस्ट होती है, नीचे जितनी आती जाए तो वो एक अच्छी लिस्टिंग नहीं होती, ठीक है। तो ये भी एक नॉर्मल है, अगर 5 से नीचे आ जाती है तो ये भी फिर एक ठीक नहीं होती, सही हो गया। अच्छा इसमें हम पढ़ते हैं, अभी हमने वेब यूज की थी, बेसिकली ये जो है डैशबोर्ड था, इसका ब्लैक बॉक्स फिल्टर्स अप्लाई किए थे, अभी यहाँ पे इसकी एक्सटेंशन होती है, ठीक है। एक्सटेंशन में हम फिर देखते हैं इसके एक्सरे देखते हैं, एक्सरे हमें इनकी डिटेल्स बताते हैं कि जो हम प्रोडक्ट देख रहे हैं इसका ब्रांड कौन सा है, इसकी मंथली सेल्स क्या है, इसके नंबर ऑफ सेलर्स कितने हैं और इसका रेवेन्यू कितना है। ये बेसिकली ये ग्लिच है इधर, तो एक हम दूसरे वे से ट्राई करते हैं, यहाँ पे ग्लिच आ गया, ठीक है। तो बेसिकली हम देख लेते हैं, ये एक टूल प्रॉब्लम है बेसिकली आ जाती है, ठीक है। ये देखें, ये यहाँ पे ब्रांड नेम शो कर रहा है, ये प्राइसेस की शो कर रहा है, यहाँ पे सेल्स होंगी टोटल, ये सेल्स ग्राफ होगा और यहाँ पे इसका टोटल रेवेन्यू होगा, इस लिस्टिंग का मंथली रेवेन्यू क्या होता है, इसका बीएसआर क्या चल रहा है,
सेलर कंट्री कौन सी है इसकी, बेसिकली आपकी यूएस होनी चाहिए। एफपीए फीस कितनी है इसकी, एक्टिव सेलर्स कितने हैं, रेटिंग्स, रिव्यू काउंट, रिव्यू वेलोसिटी, बाय बॉक्स किसके पास है, कैटेगरी कौन सी है, साइज टाइप कौन सा है, फुलफिलमेंट किसके थ्रू है, डायमेंशंस, वेट, ये सब चीजें। ठीक है, ये सब आपको ऊपर ऊपर से पता चल गया होगा कि ये क्या क्या चीजें हैं, क्योंकि ये ग्लिच आ गया है टूल में, तो ये थोड़ा टाइम लेगा, इसलिए हम आगे जाएंगे। ठीक हो गया, फिर भी अगर आपको कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बल्कि पूछा करें, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूंगा। ठीक है, ये इसकी एक्सरे थी, यहाँ पे आप और फीचर्स भी यूज कर सकते हैं इसके। प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर है इसका, वैसे सजेस्ट ये किया जाता है कि आप अमेजोन का प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर यूज किया करें, एफबीए रेवेन्यू कैलकुलेटर, तो वो ज्यादा रिलायबल होता है एज कंपेयर टू हेलियम 10 के प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर से। इन्वेंट्री लेवल्स भी आप चेक कर सकते हैं, जैसे इन्वेंट्री लेवल्स होते हैं कि मतलब आप देख सकते हैं इधर जो सेलर्स बैठे हुए हैं उन सब के पास कितनी कितनी इन्वेंट्री है, ये देखें। ठीक है, उनके फीडबैक्स भी चेक कर सकते हैं, उनकी रेटिंग भी चेक कर सकते हैं, और रिव्यू पॉइंट भी चेक कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो लास्ट में है ये MNB ब्यूटी, ठीक है, ये इसके पास 13 स्टॉक है, इसके पास 77 है, तो ये चीजें भी चेक कर सकते हैं, ये भी हीलियम 10 का एक फीचर है। बेसिकली जो हम इसको मेन यूज करते हैं, या तो फिल्टर्स लगाने के लिए, या फिर इधर इसकी सेल्स वगैरह चेक करने के लिए एक्सरे के। ठीक है, ये हो गया एक वे। दूसरा वे जिससे हम प्रोडक्ट देखते हैं, अगर फर्ज किया हमें ये प्रोडक्ट अच्छा लग गया, ठीक है, इसके स्टेट सारे अच्छे हैं, बिल्कुल हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक, फिर हम क्या करते हैं, फिर हम डायरेक्टली इसका एसएन कॉपी करते हैं। ठीक है, एक एक्सेल शीट बना लेते हैं। यहाँ पे कुछ करते हैं, ये हमारा एसएन हो जाता है, ये ब्रांड हो जाएगा। ठीक है, ब्रांड को कॉपी करेंगे यहाँ से, ब्रांड कौन सा है, कंट्रोल सी, ये ब्रांड भी कॉपी हो गया। अभी हमने क्या करना है, अभी यही ब्रांड कॉपी करके डायरेक्टली गूगल पे जाना है, वही सेम मेथड जिस तरह से कीपा में मैंने आपको बताया है, brand.us ये सर्च किया करना है। ठीक है, अगर आपने अपना रीजन चेंज नहीं किया सेटिंग में तो काइंडली उसको भी चेंज कर दीजिएगा, उससे ये होता है कि आपको प्रेफर करता है गूगल कि आपको कौन सी इंफॉर्मेशन दिखानी चाहिए। अगर आप करंट रीजन होगा तो बेसिकली वो आपको पाकिस्तान के मुताबिक आपकी सर्च दिखाएगा, अगर आप यूएस करते हैं तो बेसिकली हम देख भी यूएस में रहे होते हैं कि ये ब्रांड यूएस में कहाँ पे है, ठीक है, इसकी वेबसाइट कौन सी है, तो बेसिकली हम यहाँ से चेंज करते हैं सी ऑल सेटिंग्स में, Here it is. ये देखें, ये आपका बेसिकली करंट रीजन सिलेक्ट हुआ पड़ा होगा अगर आपने चेंज नहीं किया। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ नीचे आके यूएस ढूंढना है, ये देखें, ये मेरा पहले से पड़ा है, ये यूएस आपने सिलेक्ट कर देना है, सेव करनी है। ठीक है, ये प्रेफरेंस आपके ठीक हो गया। अभी देखना है कि ये ब्रांड कहाँ पे है, ये ब्रांड है, आप इसे ओपन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका यूआरएल कॉपी करेंगे, आप एक्स जो डाटा शीट बनाएंगे वहां पे पहले पहले आपका होगा यूआरएल, उसके बाद होगा आपका ईमेल, उसके बाद होगा फोन नंबर। ये कंप्लीट आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, मगर ये है कि इसमें से कुछ चीजें मिल जाएंगी जो आपके लिए ना एक फायदेमंद होगी, आप ब्रांड से कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट फॉर्म, ठीक है, ये चीजें। और इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर, उनके साथ साथ ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर भी हमने ढूंढने होते हैं। ठीक है,
फिर इसी तरह से इसके सब कॉपी कर लें आप। ठीक है, और इधर से फिर डिस्ट्रीब्यूटर टू, और इसको भी यहां से कॉपी कर लें। ठीक है, ये देखिए अभी हमने यूआरएल कॉपी किया था इस ब्रांड का, तो यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। सॉरी, ये अभी वाला दोबारा से हमने कॉपी कर लिया है, तो वो अभी हमारे नहीं खत्म हो गया। ठीक है, यूआरएल हम दोबारा से कॉपी करते हैं यहाँ पे, ये देखें सी करके, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे ईमेल चेक करते हैं इसका, बेसिकली ईमेल हम देखते हैं कॉन्टेक्ट अस में होगा या फिर इसके लास्ट में होगा। ठीक है, इन्होंने कॉन्टेक्ट अपना ईमेल नहीं दिया होगा, यहाँ पे एक मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, तो आप पहले इसे कॉपी कर लें और यहाँ पे फोन नंबर की जगह पेस्ट कर लें। ठीक है, पेस्ट हो गए हैं। अब इसके बाद आप चेक करें कि आपको ईमेल मिलती है या नहीं। इसकी ईमेल नहीं है तो कॉन्टेक्ट बाय अस पर ईमेल करें। यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस में भी जा सकते हैं आप, तो ये देखें अगर आपको ईमेल ना दी हुई हो तो आपको ये इस तरह का कॉन्टेक्ट अस फॉर्म दिया होगा। ठीक है, और वो आपसे कह रहे होते हैं कि अपना फर्स्ट नेम दें, लास्ट नेम दें, ईमेल दें, फोन नंबर दें, सब्जेक्ट बताएं हमें किस सब्जेक्ट पे आपने बात करनी है। बेसिकली यहाँ पे हम प्रोडक्ट्स के बारे या जनरल इंक्वायरी कहते हैं। ठीक है, या फिर अगर माई अकाउंट का ऑप्शन है तो आप ये कर लिया करें, क्योंकि हम कोशिश ये कर रहे होते हैं कि उनके साथ एक होलसेल अकाउंट ओपन कर रहे होते हैं, ताकि वो हमारे साथ अकाउंट ओपन करें और हम उनसे उनके प्रोडक्ट्स ले सकें अप्रूव विद अप्रूवल, और उन्हें अमेजोन पे सेल कर सकें। ठीक है, आप ये सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद अपना मैसेज लिखेंगे। मैसेज में क्या लिखेंगे, अगर आपके पास LLC भी है पड़ी तो आप अपना नाम लिखेंगे। ठीक है, और आगे बताएंगे कि हम आपके, वी आर इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट्स एंड वांट टू सेल दीज प्रोडक्ट्स ऑन आवर स्टोर्स ग्लोबली। ठीक है, फिर कहेंगे कि हम आपके साथ होलसेल अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। ठीक है, और इधर सेंड कर देंगे। अब होगा क्या इससे, ये डायरेक्टली आपके ईमेल पे ईमेल करेंगे। ठीक है, कि आपका फॉर्म हमें रिसीव हो गया है, हम आपको शॉर्टली कनेक्ट होते हैं आपसे, फिर ये मजीद बात आगे बढ़ेगी इस तरह से। ठीक हो गया, तो ये भी आप इस तरह से करें कि कॉन्टेक्ट फॉर्म जो होता है इसका URL भी कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लें। ठीक है, अभी ये देखें यहाँ इसमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमें मिली है। URL मिला है इसका, ईमेल नहीं मिला, फोन नंबर मिला है, कॉन्टेक्ट फॉर्म मिला है। कोई बात नहीं, ईमेल नहीं मिला तो ईमेल हम यहाँ से भी कर सकते हैं, उनका ईमेल आ जाएगा तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि उनका बेसिकली ईमेल कौन सा है। उसके बाद इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स देखेंगे। मिनिमम हमने 3 डिस्ट्रीब्यूटर्स देखने होते हैं हर ब्रांड के। अभी यहाँ पे उसी तरह से ब्रांड का नाम लिखें आप, ब्रांड को कट करके डिस्ट्रीब्यूटर US। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखाएगा कि ये उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स कौन से हैं। इसका एक जो ऑथेंटिक वे होता है वो इस तरह से होता है कि ये भी आप जो उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स की डिटेल है वो भी उसी ब्रांड से लें, वो तब लें जब आपके पास उनका ईमेल आ जाए, आपकी उनसे बात हो जाए और आपको वो अप्रूवल दे देते हैं, तो आप उनसे कहें कि ये या तो हमें आप खुद प्रोडक्ट सेल करें, हम आपसे परचेज करते हैं अपने स्टोर्स पे बेचने के लिए, या फिर आप इस तरह से करें हमें अपने ऑथोराइज सेलर सॉरी ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर्स के नाम दें, उनकी डिटेल्स दें, ताकि हम उनसे कॉन्टेक्ट करके उनसे परचेजिंग करें आपके प्रोडक्ट्स की और उनको सेल करें। ठीक है, एक ऑथोराइज्ड वे इस तरह से होता है, मगर आप इस तरह से भी कर सकते हैं, इनके पहले से डिस्ट्रीब्यूटर्स देख लें, उनका डाटा निकाल लें, जिस तरह से ये देखो ये MPM डिस्ट्रीब्यूटर्स। ठीक है,
इसको आप ओपन करेंगे और इसका फिर से वही प्रोसेस दोहराएंगे। ठीक है, यूआरएल लेंगे इसका और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ठीक है, उसका नाम नाम आप यहाँ से भी ले सकते हैं, देखेंगे यहाँ से। ठीक है, एमपीएम डिस्ट्रिक्ट उसी करके ये हो गया, इसका नाम भी आ गया। आप उसी तरह से इसका ईमेल ढूंढें, आप ईमेल वंस अगेन आप नीचे, अगर नीचे आपको नहीं मिल रहा तो उसके कॉन्टेक्ट अस पे जाएं। कॉन्टेक्ट अस में फिर से इन्होंने, बल्कि इन्होंने सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, ये देखें, अपना टेलीफोन नंबर भी दिया हुआ है आपको, आपको अपना ईमेल भी दिया हुआ है और कॉन्टेक्ट फॉर्म भी दिया हुआ है। वैलिड गुड, आप तीनों कॉपी करेंगे। ठीक है, ईमेल भी अपने पास कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दें और इसका फोन नंबर भी कॉपी करके पेस्ट कर दें और ये कॉन्टेक्ट भी, आप ये कॉन्टेक्ट फॉर्म भी फिल करके उन्हें सबमिट कर दें। इससे होगा क्या कि किसी एक चैनल के थ्रू ना आपकी उनसे बात हो जाएगी, आप उनसे कनेक्ट हो जाएंगे और उनको बता सकेंगे कि हम आपसे अप्रूवल लेते हैं सेल करने के लिए। ठीक है, ये भी मैं अगली वीडियोस में आपको बताऊंगा कि अप्रूवल किस तरह से लेनी है, क्या मैसेजेस हम उनको करें, ईमेल उसको उनको किस तरह से करना चाहिए। ठीक है, ये सब चीजें हम अपने अगली वीडियो में सीखेंगे। अभी हम ये सीख रहे हैं कि Helium 10 हमने किस तरह से यूज करने हैं और Helium 10 यूज करके हमने डाटा शीट किस तरह से बनानी है, और अगर पहले हम प्रोडक्ट देखते हैं तो उसको यहाँ पे किस तरह से सर्च करते हैं। ठीक हो गया, तो ये आपकी एक पूरी डाटा शीट बन जाएगी। ठीक है, आप कंप्लीट कर लेंगे नीचे जितने तक आप बनाते हैं, सही हो गया। उसके बाद आप वन बाई वन इनको ईमेल्स करें, ईमेल्स के बाद फॉलो अप्स लें और उनको कॉल्स करें। ठीक हो गया, ये दोनों वे मैंने आपको बता दिए हैं। दूसरा वे जो था प्रोडक्ट, अगर मिल गया आपको वो यहाँ पे कॉपी करें। ठीक है, एक और जो तरीका रहता है जो आप, मैं आपको बताना चाह रहा था वो था ये वाला। ठीक है, ये एक्सपोर्ट डेटा, आप कंप्लीट डेटा को एक्सपोर्ट कर लें एज अ XLS फाइल। ठीक है, ये देखें ये फाइल अभी इसकी डाउनलोड हो रही है, ये 200 प्रोडक्ट्स जितने भी थे यहाँ पे डाउनलोड हो गए। इसे ओपन कर लें, जो कॉलम्स आपको नहीं चाहिए वो उनको डिलीट कर दें। ठीक है, पहले इनेबल ऑडिटिंग कर लें यहाँ से। ये देखें, आपको SMB नहीं चाहिए इस केस में, ना ही URL चाहिए। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ ब्रांड चाहिए, बाकी सब चीजें आप डाल कर सकते हैं। ठीक है, टाइटल भी आप डाल कर सकते हैं, नो इशू। ये आपके पास अभी क्या आ गया, ब्रांड्स आ गए। ठीक है, फिर से आप क्या करेंगे, उसी तरह से URL और ईमेल, इसके बाद फोन नंबर, मतलब फिर से कहानी वही सेम आ गई है। ठीक है, कॉन्टेक्ट फॉर्म और उसके बाद इसका डिस्ट्रीब्यूटर 1, डिस्ट्रीब्यूटर 2 आ गया, उसकी डिटेल, ये सब कुछ। ठीक है, बिल्कुल सेम उसी तरह से। अब उसी तरह से आप यहाँ से ब्रांड कॉपी करेंगे, गूगल पे जाएंगे, पेस्ट करेंगे, रीजन चेंज करेंगे, इसकी इन्फॉर्मेशन लेके और यहाँ पे पुट कर देंगे इसकी डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। वन बाई वन आप इसी तरह से करेंगे, फिर यहाँ आ जाएंगे, इनको कॉपी करेंगे, इसको पेस्ट करेंगे, इसकी इन्फॉर्मेशन लेंगे, ये सब। ये इन्फॉर्मेशन जब आप इकट्ठी कर लेंगे काफी सारे ब्रांड्स की और उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स की, तो वन बाई वन आप ईमेल को करना शुरू करेंगे। ठीक है, उनके बाद आप उनको कॉल्स करेंगे अप्रूवल के लिए। तो ये एक दूसरा वे था इसका। ठीक हो गया, तो अभी हमने ऑलमोस्ट ये कंप्लीट कर लिया। ठीक है, ये चीज होती है जो हमने FBA होलसेल के लिए यूज करना होता है Helium 10 को, वो यहाँ रखता है। ठीक है, एक उसकी एक्सटेंशन जो मैंने आपको बताई है उसमें से एक्सरे देखते हैं, एक ये ब्लैक बॉक्स किस तरह से यूज करते हैं इसमें से, इसमें फिल्टर्स किस तरह से अप्लाई करते हैं, ये चीज भी हमने पढ़ ली है।
ठीक हो गया। और इसके अलावा आई थिंक हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया, लेक्चर 4। ठीक है, तो इंशाल्लाह अगला लेक्चर 5 में हमारा होगा। इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, रिमाइंडर्स हैं, जो जो भी मेरे वीडियोस देख रहे हैं उनसे सीख रहे हैं कुछ, तो काइंडली वीडियोस कंप्लीट देखा करें, कुछ मिस ना किया करें और उनको समझा करें। ठीक है, और उसके बाद उनको प्रैक्टिस भी किया करें। आप देखिए, मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में सिंपल ये बताया था, इंट्रोडक्शन दिया था आपको अमेजोन का और इसके बिजनेस मॉडल्स का। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि एफबीए होलसेल के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको टूल्स के बारे में बताया कि टूल्स किस तरह से यूज़ होते हैं, कौन से लेने चाहिए आपको टूल्स। अभी कीपर भी हमने पढ़ लिया है, सीख लिया है कि किस तरह से हम उसे यूज़ करते हैं, और आज हमने हीलियम 10 भी सीख ही लिया है कि किस तरह से उसको यूज़ करना है, फिल्टर्स किस तरह से लगना है। तो मतलब ये है कि ये दोनों टूल्स अभी आपके पास, इनकी डिटेल आ गई है। तो काइंडली अभी आप स्टार्ट कर दें अपने किसी सर्विस प्रोवाइडर से, इनके टूल्स ले लें जो अच्छे रेट्स में आपको मिल रहे हो। ठीक है, और उनको प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप कोई प्रोडक्ट हंट नहीं करेंगे। तो काइंडली प्लीज़ आप अगर वीडियोस देख रहे हैं तो प्रैक्टिस स्टार्ट करें, टूल्स लें, हंटिंग करें। ठीक है, और उसके बाद आपको कोई भी कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई आपकी क्वेरी है, तो प्लीज हेजिटेशन ना लाएं अपने अंदर और कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछें। ठीक है, इंशाल्लाह मैं आपको उसका आंसर करूंगा। और उसके अलावा ये वीडियोस जो मेरी हैं, तो इंशाल्लाह मैं एक कंप्लीट कोर्स अपलोड करने का सोच रहा हूँ। ठीक है, एफबी होलसेल यूएस का, तो आप खुद भी देखें, इनसे फायदा उठाएं और अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेंबर्स में जो भी सीखना चाहते हैं, ये भी एक स्किल है, अच्छी स्किल है। ठीक है, तो वो उनको भी आप बताएं ताकि वो भी ये वीडियोस देखें और प्रैक्टिस स्टार्ट करें, प्रोडक्ट हंटिंग करें, प्रोडक्ट्स लें। ठीक है, अपना बिजनेस स्टार्ट करें। इसके अलावा आप काइंडली अपनी फीडबैक दिया करें, जब आप वीडियो देख लेते हैं तो मुझे बताया करें कि कहाँ मैं लैग कर रहा हूँ, कहाँ पे आपको ज़रूरत है ज़्यादा समझाने की, या इसके अलावा आप चाहते हैं कि किसी मैं टॉपिक पे एक और वीडियो बनाऊँ जो आपको समझ नहीं आया, तो नो प्रॉब्लम, मैं ये भी कर सकता हूँ आपके लिए। ठीक है, मैं सेपरेट से वीडियो भी बना सकता हूँ, वो भी अपलोड कर दूंगा। तो बात यह है कि आप प्रैक्टिस करें प्लीज़, कंप्लीट वीडियोज़ देख के अंडरस्टैंड करें, बार बार देखें वीडियोज़ को और टूल्स लेके प्रैक्टिस करें इसकी, ताकि जल्दी से आपका प्रोडक्ट हंट हो सके और आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास अगर बजट नहीं है बिजनेस स्टार्ट करने का, तो आप VA हैं, आप प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं। ठीक है, टूल्स को यूज करके और उनको सेल कर सकते हैं, और आप जब उनको सेल कर सकते हैं तो बेसिकली ये होता है कि जब आपके पास प्रोडक्ट हो तो क्लाइंट आपको मिल ही जाता है। ठीक है, तो गुड लक, इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपने अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और काइंडली प्रैक्टिस स्टार्ट करें। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, अगर इस तरह से आप वीडियोस देखते रहेंगे तो इस तरह से कुछ नहीं होना। ये स्लाइड्स और ये वीडियोस बस यहाँ तक होती हैं कि आपको एक सरसरी टच देने के लिए, कुछ दिखाने के लिए कि किस तरह से काम हो रहा है। आपको फायदा तब होगा जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, टूल्स लेंगे, खुद प्रैक्टिस करेंगे, तभी आप कुछ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ये मेरी वीडियोस देखते रहें तो ये बिल्कुल ही बेकार है, आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप सिर्फ और सिर्फ वीडियोस देखते रहें, वीडियोस देखें बस छोड़ दें और दूसरी वीडियो देखें उसको छोड़ दें, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप एक्सपर्ट नहीं हो सकते, ना ही आप कोई प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं। ठीक है, तो काइंडली ये स्टार्ट करें। कोई भी क्वेश्चन है टूल्स के रिलेटेड, LLC के रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, कोई बंदा है इन्वेस्ट करना चाहता है, उसको समझ नहीं आ रही कि मैं कितना बजट लूँ, किस तरह से इन्वेस्ट करूँ, या कोई VA है उसको समझ नहीं आ रही कि मैं प्रोडक्ट हंट किस तरह से करूँ, कोई भी क्वेश्चन है आपका मुझसे पूछ सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं आपको इंशाल्लाह कंप्लीट गाइड करूँगा। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।